हेलो एवरीवन, एज ऑलवेज टुडे आई एम गोइंग टू टीच समथिंग स्पेशल स्टूडेंट. व्हाट आर डिफरेंस शुड एंड शुड बी, वेयर विल यूज शुड एंड शुड बी. आप शुड का कब यूज कहाँ यूज करोगे और शुड बी का कहाँ यूज करोगे. तो स्टूडेंट, शुड का यूज आप वहाँ करोगे जब आप किसी को एडवाइस देते हो कि आपको खेलना चाहिए या आपको खाना पकाना चाहिए या आपको बाजार जाना चाहिए. अब वो काम करता है कि नहीं करता है, एक दिन में करता है या दो दिन बाद वो काम करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट आपने एडवाइस दी उसको कि ये काम आपको करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज करते हैं. इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करोगे, आफ्टर दैट शुड प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए. यू शुड कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना चाहिए. ही शुड डू होमवर्क, उसे होमवर्क करना चाहिए. यू शुड टेक रेस्ट, उसको रेस्ट लेना चाहिए. अब वो रेस्ट कब लेता है ये आपको नहीं पता, आपने उसको एडवाइस दे दी. अब सेकेंड है शुड बी का आप कहाँ यूज करोगे. तो स्टूडेंट, सपोज आप दो फ्रेंड हैं और आपने प्लान किया कि कल आप पार्क खेलने आएंगे. तो कल जब आपका फ्रेंड वहाँ पार्क में खेलने गया तो उसने देखा आप वहाँ नहीं हो, तो उसने आपको कॉल किया कि व्हाट आर डूइंग. आपने बोला आई एम वॉचिंग टीवी. तो आपके फ्रेंड ने कहा यू आर वॉचिंग टीवी, यू शुड बी प्लेइंग. मीन्स जो आप वॉचिंग का काम कर रहे हो उस टाइम वो ना करके आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लेइंग, आपको खेल रहा होना चाहिए था. मतलब मीन्स जो आप काम कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में वो ना करके आपको कोई दूसरा काम करना चाहिए था. वहाँ पे आप शुड बी का यूज करोगे. मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ. लाइक आपके पापा ऑफिस गए और ऑफिस से आपके पापा ने कॉल किया है मम्मा को कि आज मेरे साथ कुछ फ्रेंड आ रहे हैं तो आप खाना बना लेना. तो और आपके पापा ने कहा मैं कुछ देर बाद आपको कॉल करूँगा कंफर्म करने के लिए. तो जब आपके पापा ने फादर ने कॉल किया यू व्हाट आर डूइंग, तो आपकी मम्मा ने बोला आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स. तो आपके पापा ने क्या कहा, यू आर वॉशिंग क्लॉथ्स, यू शुड बी कुकिंग फूड. मीन्स जो आप वॉशिंग का काम कर रहे हो वो ना करके आपको क्या करना चाहिए, आपको खाना पका रहा होना चाहिए, यानी खाना पकाने का काम करना चाहिए था. तो वहाँ पे क्या यूज होगा, शुड बी का यूज होगा. गाइज आपको समझ में आया होगा कि शुड बी और शुड में क्या डिफरेंस है. शुड बी आपको तब लगाना है कि जो आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ की कंटिन्यूटी चल रही है वो ना करके आपको कुछ दूसरा करना चाहिए. जैसे आप यहाँ बैठे हो तो लाइक मैंने बोला यू शुड बी गोइंग, अब आपको क्या जाना चाहिए. जो आप बैठने की आपकी कंटिन्यूटी है वो ना करके आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको जा रहा होना चाहिए, मतलब आपको जाना चाहिए. तो वहाँ पे क्या आप शुड बी का यूज करोगे. थैंक यू.